हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 250 गज का बिल्डर फ्लोर जो कि सेक्टर 85 में अवेलेबल है। ये आप देख रहे हैं उसका फ्रंट एलिवेशन। ये 250 यार्ड में बना हुआ है सेक्टर 85 के अंदर, जो कि इसके पास पार्क फेसिंग बैक साइड में पार्क है जो कि बहुत अच्छी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप वो बैक बालकनी से आप पार्क फेसिंग का व्यू आप देख सकते हैं उसमें। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। इसकी पार्किंग का एरिया है, स्टिल्ट पार्किंग है, स्टिल्ट प्लस 4 बिल्डर फ्लोर है। इसकी एंट्री है, ये आप देख पा रहे हैं इसकी फ्लोर एंट्री। ये डाइनिंग हॉल, ड्राइंग हॉल इसमें एक साथ दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। ये डाइनिंग हॉल है, काफ़ी स्पेशियस है। और जो बिल्डर फ्लोर में जो लेआउट होता है, जो इनसाइड लेआउट होता है, वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है 250 गज में 3 BHK का, जब देख पा रहे हैं। और जो वर्क देख पा रहे हैं आप, बहुत ही लग्जरी। आपने सारी वीडियो देखी होंगी कभी मेरी पहले, इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखी होगी, आपको सारे बिल्डर फ्लोर में अच्छा ही काम करके देते हैं बिल्डर। ये आप देख पा रहे हैं टेम्पल, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी जगह पे इन्होंने जो भगवान का जो ये मंदिर है बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, बहुत अच्छे से इसमें वर्क किया है, क्योंकि भगवान का जो मंदिर है बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। ये आप देख पा रहे हैं ड्राइंग हॉल, ड्राइंग हॉल देखिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा वर्क किया है। और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ये जो बिल्डर फ्लोर आता है, बहुत अच्छी लोकेशन पे आता है सेक्टर 85 के अंदर। रूम साइज़ की बात की जाए या ड्राइंग हॉल की बात की जाए, जो रूम साइज़ होते हैं वो 15x12, 14x12, 13x12.5, 14x12, इस हिसाब से रूम साइज़ निकल के आते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है रूम में। रूम के साथ अटैच या फ्रंट एलिवेशन देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार लुक निकल के आती है इससे। ये आप देख पा रहे हैं आसपास के एरिया, ये बालकनी है, बहुत अच्छी लोकेशन है। काफ़ी यहाँ पे बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं और बहुत अच्छी ये जो सेक्टर है, यहाँ का सबसे बेस्ट सेक्टर माना जाता है बिल्डर फ्लोरों के लिए। यहाँ पे सिर्फ बिल्डर फ्लोर ही अवेलेबल हैं 5 ब्लॉक के अंदर, सेक्टर 85 के अंदर 85 के अंदर 5 ब्लॉक आते हैं ABCDE, जिसमें से ये सी ब्लॉक में से एक है। चलिए अब चलते हैं अंदर। ईस्ट फेसिंग ये जो बिल्डर फ्लोर है, बहुत अच्छी धूप वगैरह सारी चीज़ें आती हैं फ्लैट के अंदर। ये आपका कॉमन वॉशरूम हो गया, आप देख पा रहे हैं सारी जो फिटिंग है जैगवार फिटिंग के साथ की है इन्होंने। जो एम्बियंस लाइट यूज़ किए हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी थीम के साथ यूज़ करते हैं जो बिल्डर फ्लोर हैं, ये आप देख पा रहे हैं। गीजर से लेके हर चीज़ उन्होंने लगा के दी है, ये आप देख पा रहे हैं जैगवार फिटिंग, जो कि यहाँ की सबसे बेस्ट फिटिंग मानी जाती है। ये अपना डाइनिंग हॉल, ये किचन है, अल्ट्रा मॉड्यूलर किचन, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी, जो स्पेसियस है, ओपन स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है जो किचन में इन्होंने। ये आप देख पा रहे हैं लग्जरी मॉड्यूलर किचन है। ये आप इसकी बालकनी देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ी बालकनी है बैक साइड में, आप देख पा रहे हैं वॉशिंग एरिया है एक टाइप से ये जो आप देख पा रहे हैं, तो काफ़ी स्पेशियस है। आप देख पा रहे हैं पीछे पार्क है, जिस हिसाब से मैंने फ्रंट में बात की थी, ये पार्क पीछे अपनी बालकनी से दिखता है, बिल्कुल टच है बालकनी से। ये आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा स्पेस है बालकनी में, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है बिल्डर 250 गज के बिल्डर फ्लोर के अंदर ये।
इसमें विंडो एसी का भी प्रोविज़न दिया हुआ है, चाहे तो आप विंडो एसी का भी बिल लगवा सकते हैं। पीछे सेफ्टी ग्रिल्स दी हैं, ये वॉशिंग एरिया है। देखिए सबसे बेस्ट पार्ट इसका किचन माना जा रहा है, कि इसकी किचन जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही लग्जरी किचन बनाई हुई है। ये आप देख पा रहे हैं जगुआर फिटिंग के साथ, ये जो फिटिंग है वो सारी फिटिंग जगुआर फिटिंग की है। हर चीज़ इन्होंने, बिल्डर ने जो बनाई है बहुत अच्छे से बनाई है। ये जो जिस कंपनी आप देख पा रहे हैं ग्लैंड की, जो ये ग्लैंड की अपना चूल्हा देते हैं, ग्लैंड की अपनी चिमनी देते हैं। ये आप ऊपर देख पा रहे हैं इसकी चिमनी, ये देखिए ग्लैंड की ही इन्होंने चिमनी दी है जो कि बहुत अच्छी है। ये देखिए हर चीज़ का लुक का जो ध्यान दिया है बिल्डर ने, बहुत अच्छे से काम किया है। ये आप देख पा रहे हैं इनसाइड, बहुत आजकल लेटेस्ट जो डिज़ाइन है किचन के अंदर, ये हर किचन के साथ आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है ये किचन के अंदर। ये देखिए आप, चलिए अब चलते हैं रूम में। ये देखिए ब्यूटीफुल डिजाइनिंग के साथ रूम नंबर 1, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए वॉलपेपर के साथ डिजाइनिंग, बहुत अच्छा वर्क किया है। फॉल सीलिंग से लेके लाइटिंग से लेके वॉशरूम में जो लग्जरी किचन है, सब चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ की है, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग यूज़ की है। ज़्यादातर इसी डिज़ाइनिंग में आपको बिल्डर फ्लोर देखने को मिलते हैं फरीदाबाद के अंदर। गीजर के साथ आपको कम फ्लैट देखने को मिलते हैं, बाकी कोई कोई बिल्डर लगा के दे देता है। वॉशरूम में जो एम्बियंस लाइट यूज़ की है, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ की है। जो बैक साइड में जो टाइल्स यूज़ की है, जो ये बहुत अच्छी थीम क्रिएट कर रही है। ये देखिए आप रूम वार्डरोब्स के साथ, स्लाइडिंग डोर के साथ ये वार्डरोब्स यूज़ की है, बहुत बहुत शानदार लुक देती है। ये टीवी पैनल, दिस इज मास्टर बेडरूम, अमेजिंग डिजाइनिंग के साथ बहुत ही शानदार लुक निकल के आती है वुडन कारपेट के साथ। लेकिन आजकल वुडन कारपेट कम यूज़ करते हैं, इसलिए वुडन डिज़ाइनिंग के साथ जो टाइल्स होती हैं मार्बल की, वो आजकल बहुत चल रही हैं, उसको बिल्डर ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं रूम साइजेस बहुत अच्छा है, और इसमें टीवी पैनल का भी इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। हर बिल्डर फ्लोर में अलग अलग डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिल जाती है, सेम थीम आपको कभी देखने को नहीं मिलती। एक बार ही बिल्डर ने जो डिज़ाइन बनाते हो, वो दूसरे बिल्डर फ्लोर पे कभी यूज़ नहीं करते उसको। ये आप देख पा रहे हैं वुडन वर्क बहुत अच्छा यूज़ किया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है वुडन की। ये आप देख पा रहे हैं किचन, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आपका बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे। आपको इससे रिलेटेड और ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे या मुझे सपोर्ट करेंगे। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये रूम नंबर 3, सेम रूम है, वार्डरोब्स के जो डिज़ाइन है वो अलग कर देते हैं, बाकी रूम साइज़ और जो डिज़ाइनिंग है फॉल सीलिंग की, वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। इसमें बैक साइड में बालकनी का रूम भी दिया है डोर,
कि कॉमन वॉशरूम के साथ अटैच है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।